Hey, what is up guys? Host Shubhram, I'm back with a new video और स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वेल, यहाँ पर बस न्यूज नहीं पढ़ूंगा, मैंने अपने ओपिनियंस भी दूंगा और वो आपको कैसे मैटर करते हैं वो भी बताऊंगा। वेल, यहाँ पर सबसे पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। फेडरल बैंक शेयर प्राइस राइजेस 4% एज राकेश झुंझुनवाला बायज एडिशनल स्टेक। वेल, राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया है अपना फेडरल बैंक में, तो यहाँ पर 4% बच गया। तो यहाँ पर कॉपी ट्रेडर्स जो होते हैं, यूजुअली जब कोई बड़ा गॉडफादर होता है स्टॉक मार्केट का, वो जब बाय करता है तब ये लोग भी बाय करते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत से कॉपी ट्रेडर्स होते हैं, तो उन्होंने बाय कर लिया, तो बाकी सबने बाय कर लिया, वैसे ही एक चेन रिएक्शन होती है। अब अगर आपको इसमें, अगर आपको भी बाय करना है इसमें, तो वेट करो थोड़ा सा। बाकी के ऑपरेटर्स होंगे, वो ऐसे न्यूज के बाद जब स्टॉक बढ़ जाता है तब वो बेच देते हैं, तो वापस नीचे आ जाएगा, तब आप बाय कर लेना। वेल, ओके, दिस वाज द न्यूज। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और एक है, बट काफी एक और काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर माय सब्सक्राइबर्स। येस बैंक स्किड्स 40% सिंस एफपीओ प्राइस अनाउंसमेंट, कैन इट फर्दर फॉल। वेल, यहाँ पर एक न्यूज नहीं है, एक्चुअली एक आपको सीख है कि यहाँ पर येस बैंक तो काफी गिर चुका है, 40% गिर चुका है। अभी हम सभी को पता है एफपीओ आने वाला है अगले मंडे को, तो क्या तब तक ये जो अपना प्राइस पॉइंट है, अभी 19.45 पे ये ट्रेड कर रहा है, 0.35 आज गिरा है, तो क्या ये तब तक ये अपना प्राइस पॉइंट पकड़ के रखेगा, क्या ये एफपीओ के बाद नीचे जाएगा? ये काफी सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं मार्केट में, स्पेशली जो भी लिस्टिंग गेन्स के लिए स्पेशली लोगों ने बाय किया है, तो लिस्टिंग गेन्स वालों को ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है कि अगर ये गिरते रहा या फिर 40% से ज्यादा और 40% भी गिर गया ये, तो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है यहाँ पर ऑब्वियसली जो भी लिस्टिंग गेन्स के लिए आया है उनके लिए। तो इसके वजह से हमें काफी ज्यादा चौंकाना रहना पड़ेगा, हर रोज देखना पड़ेगा स्टॉक कैसे जा रहा है। और अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा गिरा ज्यादा, बट रिकवर भी किया, तो इसका मतलब बायर है, और बायर है तो बाय कौन कर रहा है, और बाय कौन कर रहा है ये सारे स्मार्ट ट्रेडर्स को पता है कि बाय कौन कर रहा है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैंक के ऊपर, तो मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो बनाया है और एक प्रॉपर मेरी खुद की ओपिनियन वाली वीडियो बनाई है, आप जाके दोनों देख सकते हो। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, और एक बड़ी न्यूज, ये काफी बड़ी न्यूज है, आप सभी को इसे काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। नितिन कामत जो सीईओ है जीरोधा के यहाँ पर, और रेन मैटर के भी अगर हम देखा जाए, उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली ट्वीट किया है, टुडे सेबी सर्कुलर सेज दैट ऑल ब्रोकरेज फर्म्स हैव स्टॉप इंट्राडे लीवरेज प्रोडक्ट्स बाय ऑगस्ट 2021 इन अ फेज मैटर। इसका मतलब क्या होता है, ऑगस्ट 2021 यानी अगले साल के ऑगस्ट तक सारे जो भी ब्रोकरेज फर्म है उन्हें यहाँ पर जो भी इंट्राडे लीवरेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जब इंट्राडे लीवरेज देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत से जीरोधा का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर जीरोधा की बात हो रही है, तो जीरोधा यहाँ पर 12.5 का यूजुअली ऑन एन एवरेज 12.5 का अच्छे अच्छे कंपनीज पर देता है, बाकी का 7% 6% जो भी होगा अलग अलग डिफरेंट करता है, तो वो लीवरेज जो है वो अभी कोई भी ब्रोकरेज कंपनी नहीं दे सकती, वो ब्रिके कोई भी यहाँ पर वो नहीं दे सकती, और धीरे धीरे फेस टू फेस इन्हें वो हटाना पड़ेगा, और एंड डेट है अगस्त 2021 यानी अगले साल तक, तो यानी अगला अभी का अगस्त नहीं, अगले साल का अगस्त, तो तब तक यहाँ पर आपको उसके बाद लीवरेज ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। जो भी इंट्राडे करते हैं उनके लिए थोड़ी सी सैड बात है, बट एक्चुअल में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये डिसीजन अच्छा है, क्या ये डिसीजन गलत है। मैंने तो लीवरेज ट्रेडिंग कब की छोड़ दी है, मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो गया मैं लीवरेज ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ, मैंने एक बार भी लीवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं खरीदा। ट्रेडिंग की है, काफी ज्यादा ट्रेडिंग की है, एफएनओ सब जगह ट्रेडिंग की है, बट लीवरेज ट्रेडिंग मुझे एक साल हो गया छोड़ दिया, और अगर अगले एक साल में हम सभी को छोड़नी पड़ेगी ऑब्वियसली बात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये डिसीजन अच्छा है बुरा है। ऑब्वियसली ये ब्रोकरेज फर्म के रेवेन्यू के ऊपर काफी बड़ा मैटर करेगा, टैक्सेस में काफी ज्यादा गवर्नमेंट को ये करेगा, बट एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज ये काफी बड़ी अफेक्ट करती है यहाँ पर, और जिस न्यूज का काफी लोगों का इंतजार था, जो भी आइडिया वोडाफोन में इन्वेस्टेड है उनके लिए काफी बड़ी न्यूज। AGR केस हाईलाइट्स SC रिवर्सेस ऑर्डर ऑन टाइम टू बी अलाउड फॉर
स्टैग्ड पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज, सारी स्टोरी सुनाऊंगा। वेल बाकी के सारे हम छोड़ देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर बातें पे आते हैं। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिड वोडाफोन आइडिया इंश्योर प्रोविजंस फॉर एजीआर लायबिलिटीज, डिमांड हैज बीन रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT, व्हाई नॉट प्रोवाइडेड बाय वोडाफोन आइडिया। यानी यहाँ पर प्रोविजंस वोडाफोन आइडिया बिल्कुल नहीं है, क्या प्रोविजन करेगा, उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या प्रोविजन यहाँ पर लाइबिलिटीज के लिए करेगी, वो भी उनकी वैल्यूएशन के ऊपर लाइबिलिटीज है। With so many losses, how are we rely on you? You are making the decision more difficult for us. How should we secure AGR dues payable by Vodafone Idea? यानी Vodafone Idea बिल्कुल भी loss पे loss कमा रही है, तो यहाँ पर SC का ये कहना है कि तुम loss पे loss कमा रहे हो, तुम हमें क्या pay करोगे, तुम्हारे पास खुद के sustainability के लिए पैसा नहीं है, तुम हमारे dues क्या pay करोगे? ये मेरा कहना नहीं है, ये Supreme Court का कहना है, मुझे कुछ मत बोलो, जो बोलना है Supreme Court को जाके बोलो। Moving forward, Vodafone Idea has considered that no bank is prepared to lend it money. यानी Vodafone Idea का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं है, वो भले ही शेयर्स प्लेज करके हो या फिर नॉर्मल बाकी कुछ लोन्स हो, बिल्कुल भी वो रेडी नहीं है। सबको पता है Vodafone Idea क्या है, अरे यार बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे तो बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखने को मिले कि बहुत लोग बोल रहे हैं Vodafone Idea नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, यू आर शोइंग सच अ ब्लैक पिक्चर, हाउ आर वी सपोज्ड टू सी एनी लाइट? Vodafone Idea नीड्स टू सिक्योर एजीआर ड्यूज पेबल। यानी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तुम कोई भी लाइट थ्रो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एजीआर ड्यूज पे करने पड़ेंगे और उसे सिक्योरली पे करने पड़ेंगे। हु इज द किंगपिन, हु इज मैनेजिंग Vodafone Idea? यानी यहाँ पर Vodafone Idea कौन मैनेज कर रहा है? वी वॉन्ट टू मेक क्लियर अगेन दैट देर इज नो स्पेस फॉर सेल्फ असेसमेंट। काफी बड़ा पॉइंट है। देर इज नो स्पेस फॉर सेल्फ असेसमेंट, अदरवाइज वी विल हैव टू ड्रॉ सीरियस कंटेम्प्ट अगेंस्ट एवरीवन। वी मेड इट क्लियर दैट देर इज नो रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, दिस वुड अ वायोलेशन ऑफ आवर ऑर्डर्स। यानी हम पहले यहाँ पर Vodafone Idea के वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर एयरटेल भी हो गया या Vodafone Idea भी हो गया, यहाँ पर रीअसेसमेंट करने को बोल रहे थे कि यहाँ पर हमें जो ड्यूज है वो हमें कम करके दो, यानी इतने सारे ड्यूज है हम पे नहीं कर पाएंगे, हमें कम करके दो। तो वो एक यहाँ पर मैंने उस वीडियो में कहा था कि उनकी वैल्यूएशन अगर कम भी हो गया तो भी उनके काफ़ी ज़्यादा ड्यूज बचेंगे, फिर भी वो पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर और बुरी बात ये हो गई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रेडी नहीं है कि उसे सेल्फ असेसमेंट करे, जितना पैसा है उतना भरो, हम बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। वेल इट सीम्स दैट DOT इज अलाउिंग रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट। ओके, हु इन द गवर्नमेंट हैज द टर्मिनिटी टू डू दिस? अगर वो बोल रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अगर अलाउ कर रहे हैं तो उनके पास यहाँ पर कौन अथॉरिटी देता है कि वो ये करे? नो वन हैज द अथॉरिटी टू ओवरटर्न आवर ऑर्डर्स। यानी किसी के पास हमारे ऑर्डर्स का उल्लंघन करने का अथॉरिटी नहीं है। यू डोंट नो मी, आई विल डिस्पैच पीपल टू जेल फ्रॉम हियर। ये तरह काफी ऑफेंसिव स्टेटमेंट हो गया। वेल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर ऑफेंसिव हो गया इस बात में, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को भी सेल्फ असेसमेंट वो करने नहीं देंगे। टू भारती एयरटेल, डोंट ट्राई टू रीओपन द केस, ऑल ड्यूज आर इंक्लूडेड इन द AGR जजमेंट। यानी जो AGR का जजमेंट हुआ था जिसमें कहा था कि इतने इतने आपको भरने हैं, तो जो सारे ड्यूज थे वो उतने ही हैं, आपको उससे कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और केस रीओपन, वापस अपने इन्वेस्टर्स को पागल बनाने की कोशिश करें ऑब्वियसली कि यहाँ पर हम वो कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो वो करने की कोशिश मत करो। देर इज नो रूम अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय भारतीय एयरटेल। कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है कि जो भी ड्यूज पेबल है एयरटेल के द्वारा वो यहाँ पर एडजस्ट किए जाए, कोई भी यानी कोई भी यहाँ पर उन्हें कम करके नहीं मिलेगा। एयरटेल इज लुकिंग, ओके, यू विल नॉट अलाउ दिस सेल्फ असेसमेंट बाय एयरटेल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट अलाउ नहीं करेंगे। AGR डेफिनेशन हैज बीन क्लियर बाय सुप्रीम कोर्ट, डोंट ट्राई टू रिव्यू द इशू। यानी एयरटेल बार बार केस फाइल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो करने की कोशिश मत करो एयरटेल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुझे मत बोलो कुछ, विल डिसाइड ऑन द लिमिटेड इश्यूज फॉर
of time to be provided. This is a waste of our time. We will impose very heavy cost. Telcos are trying to seek recalculation, trying to dilute the judgment. They are behaving dishonestly. Why should we allow relief to telcos when they are seeking to review the figures payable? यानी यहाँ पर वो बोल रहे कि इतने ड्यूज हमें भरने नहीं है, हम भरेंगे नहीं, तो वो करने की कोशिश यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो भी है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनके ऊपर क्यों विश्वास रखें? हम अगर इन्होंने हमारा अगर टाइम वेस्ट किया तो हम इनके ऊपर और हेवी चार्जेस लगाएंगे। काफी 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 सीरियस प्रॉब्लम है, काफी सीरियस प्रॉब्लम है। रेवेन्यू फॉर कंट्री नीड्स टू बी सेव्ड, यानी हमारे देश का जो पैसा है वो उसे हमें संभालना पड़ेगा। यानी ये पैसा तुम देश को पेबल हो और तुम्हें करना ही पड़ेगा। टेलीकॉस बिलोंग टू दिस कंट्री, टेलीको शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द अमाउंट पेबल। टेलीकॉम रेगुलेटरीज को जो भी यहाँ पर पेबल अमाउंट है उसे सिक्योर करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि तुम इसे कैसे पे करोगे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ 20 ईयर पीरियड ऑफ रिपेमेंट द कोस्ट आर हाउ डू यू सिक्योर ड्यूज पेबल, यानी 20 साल में आप यहाँ पर भरोगे तो यहाँ पर क्या गारंटी है आपकी आप ये 20 साल में भरोगे? पहले ही पॉइंट में वो कह चुके हैं कि आपको प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी आप कैसे भरोगे? वी विल गो इन टू बोनाफाइड्स ऑफ दिस कंपनीज गोइंग इन टू इंसॉल्वेंसी, नॉट श्योर इफ आईबीसी इज बीइंग मिसयूज्ड बाय कंपनीज टू एस्केप लायबिलिटीज। अगर ये इंसॉल्वेंसी के लिए फायर करेंगे तो हम इसके अगेंस्ट बोनाफाइड इश्यूज करेंगे तो ये काफी बड़ा मैटर हो जाएगा, शेयर तो जीरो हो जाएगा तब तक तो, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये पॉइंट हुआ तो। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा मत कहना कुछ नहीं है। हैव हर्ड ऑल पार्टीज एट लेंथ ऑन टाइम विंडो विल बी ओपन एंड एक्सेप्शन एन अटेम्प्ट मेड टू विगल आउट दिस ऑर्डर अंडर द ग्यूज ऑफ रिकैलकुलेशन असेसमेंट, देयर इज नो गोइंग बैक ऑन इज टू सेम 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 सब कुछ सेम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑल रिकॉर्ड इंसॉल्वेंसी डिटेल्स ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन, वीडियोकॉन, एयरसेल विल बी सबमिटेड विद इन 7 डेज, नीड टू इंश्योर आईबीसी नॉट बीइंग मिसयूज्ड बाय कंपनी टू एस्केप लायबिलिटीज, रिजर्व्स ऑर्डर्स एट टाइम विंडो टू बी प्रोवाइडेड, नेक्स्ट हियरिंग इज इन द मैटर शेड्यूलिंग फ्रॉम ऑगस्ट 10, इश्यू ऑफ कंपनीज अंडर लिक्विडेशन टू बी कंसिडर्ड ऑन ऑगस्ट 19, ऑगस्ट 10 को नेक्स्ट हियरिंग है, ऑगस्ट 19 को उनका कंपनीज अंडर लिक्विडेशन, यानी जो भी बाकी रिलायंस कम्युनिकेशन है, वीडियोकॉन है, एयरसेल है, उनकी जो भी बाकी असेसमेंट होगी वो ऑगस्ट 19 को होगी। तो यहाँ पर और काफी बड़ा है यहाँ पर, बट इन शॉर्ट अगर आपको बता दू तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को कोई भी यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलने वाली, कोई भी रीअसेसमेंट नहीं होने वाला, जितना पैसा है उतना भरना पड़ेगा। अब आपके ऊपर आपको क्या करना है? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट ड्रॉप द बॉम्ब।